गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था जिसका नाम था साउंड। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, कैसे साउंड हमें सुनाई देता है। हमने इस लास्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम ईयर के थ्रू साउंड सुनते हैं, कैसे वो डिफरेंट मीडियम्स में प्रोपेगेट करता है, कैसे हम ह्यूमन बीइंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, सॉरी स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड? तो जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड की, उसको कहते हैं बच्चे हम एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है? जो हमारा साउंड है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ऐसे वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे जाके वो ट्रैवल करता है साउंड। तो मीन पोजीशन से कितना वो ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है उसको बच्चे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल साउंड करता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। अब ये वाला एम्पलीट्यूड इतना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। नीचे की तरफ देखें, इतना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है। ये मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना ऊपर या कितना नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको बच्चे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड की वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में बच्चे अब वो एक बार ऊपर गया, फिर नीचे मेन पोजीशन पे आया, फिर नीचे गया, तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जो भी साउंड है वो उसकी जो मोशन होती है वो ऑसिलेटरी होती है, मींस बार बार रिपीट होती है। तो जितना टाइम उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है उसको बच्चे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जब फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहां से लेके ऊपर गया नीचे आया यहां तक जितना उसको टाइम लगा उसको बच्चे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए जितना टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड को हम यहां से लेके यहां तक भी मेजर कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, मतलब कितने टाइम बाद वो दोबारा रिपीट हो रहा है। अभी ये पूरा हो गया, इसके बाद दोबारा फिर ये रिपीट कर रहा है ना साइकिल, कितने टाइम बाद वो अपनी ऑसिलेशन रिपीट कर रहा है उसको बच्चे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस करता है साउंड, एक ऑसिलेशन में कितनी ऑसिलेशंस होती है। ऑसिलेशंस मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे ऐसे जाता है उसको बच्चे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। एंड इसको बच्चे हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। मान लो किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है कि उसने एक सेकंड में उसने 15 ऑसिलेशंस की है, एक सेकंड में वो 15 टाइम ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट किया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, इसके यूनिट्स है फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, अब ये तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे फर्स्ट है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है कि कितनी हम जोर से बोल रहे हैं। मैं किसी की कान में विस्परिंग कर रही हूँ, फुसफुसा रही हूँ, तो मेरी लाउडनेस बहुत कम होगी, मैं बहुत कम बोल रही हूँ। अगर बहुत जोर से बोल रही हूँ तो मेरी लाउडनेस क्या होगी? ज्यादा। तो जितना साउंड का बच्चे एम्पलीट्यूड होगा ना, जितना साउंड का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउडनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। जो लाउडनेस है वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मान लो किसी का एम्पलीट्यूड 2 है, तो
तो जो उसकी लाउडनेस होगी वो 4 times होगी, मींस 4 गुना होगी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 होगी लाउडनेस। तो लाउडनेस इज द स्क्वायर ऑफ, इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे किसी के कान में फुसफुसा रहे हैं तो उसकी लाउडनेस कम होगी, कोई स्पीच दे रहा है तो उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्केयर। अब नेक्स्ट है पिच। पिच बच्चे हमें क्या बताती है कि हमारी जो वॉइस है उसमें कितनी श्रिलनेस है। ठीक है, कितने हम तीखी से बोलते हैं। अब जैसे विसल का साउंड और ढोल बजाने का साउंड, विसल का साउंड और ढोल बजाने का साउंड दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी, पिच ज्यादा हाई होगी। जो विसल का साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे वो हाई होती है, और इसी वजह से उसकी पिच भी हाई होती है। जो हम ड्रम को बीट करते हैं, ढोल बजा रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है, और उसकी जो पिच होगी बच्चे वो भी लो होगी। जो लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, उनकी जो वॉइस की पिच है वो लो होती है, और जो बच्चे होते हैं या गर्ल्स होती है उनकी जो वॉइस की पिच है वो हाई होती है। तो जो पिच होती है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वॉइस की पिच भी क्या होगी, हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वॉइस की पिच भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है टिम्बर। टिम्बर हमें साउंड्स के बीच में डिफरेंस बताता है। जैसे काफी सारे लोग बोल रहे हैं, सभी की जो पिच होगी, लाउडनेस होगी वो डिफरेंट होगी, तो टिम्बर से हम क्या करते हैं कि हम टोन पहचानते हैं कि हमें कौन कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है। टिम्बर हमारी हेल्प करता है साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए जब बहुत सारे साउंड्स एक साथ प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। अब हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुनाई देगा और कौन सी नहीं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे लिए ऑडिबल साउंड बच्चे वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। हम ह्यूमन बीइंग्स को वो साउंड सुनाई देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से हर्ट्ज के बीच होगी। अगर फ्रीक्वेंसी 20 और 20,000 के बीच में नहीं है, इससे कम है या इससे ज्यादा है, तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उस साउंड को बच्चे हम इंफ्रा साउंड बोलते हैं, ये साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर है तो इस साउंड को हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ये साउंड भी हमें सुनाई नहीं देगा। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सभी की जो रेंज है, ऑडिबल रेंज है, साउंड सुनने की क्षमता है वो डिफरेंट है, उनकी जो साउंड की रेंज होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे जो डॉग्स हैं उनको 50 हर्ट्ज से 45,000 हर्ट्ज वाला साउंड सुनाई देगा। ऐसी जो कैट्स हैं उनको 45 हर्ट्ज से 85,000 हर्ट्ज वाला साउंड सुनाई देगा। ऐसी जो और एनिमल्स हैं उनकी भी जो साउंड ऑडिबल साउंड की रेंज है बच्चे वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारी ऑडिबल साउंड की रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस को बच्चे हम डेसिबल में मेजर करते हैं। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। ठीक है, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 लाउडनेस, जब हम बिल्कुल भी हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो बहुत कम आवाज सुनाई दे रही है, तो उसकी लाउडनेस 0 होगी। जब हम विस्पर करते हैं, फुसफुसा रहे हैं, तो उसकी लाउडनेस 30 decibel होती है। और जब हम नॉर्मल एक क्वाइट ऑफिस है उसमें हम धीरे धीरे से बात करते हैं, तो उसकी जो लाउडनेस होती है वो 40 decibel होती है। जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं
तो उसकी जो लाउडनेस होती है बच्चे वो 60 डेसिबल होती है। जब हम बहुत ज्यादा शाउट करते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, तो उसका जो लाउडनेस होती है वो 80 डेसिबल होती है। बट अगर लाउडनेस 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाए तो वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होएगा और पेनफुल होगा। ठीक है, अगर लाउडनेस 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है म्यूजिक एंड नॉइस। म्यूजिक और नॉइस में क्या डिफरेंस है? जो साउंड प्लीजिंग होता है, हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उसको बच्चे हम म्यूजिक बोलते हैं। जो साउंड प्लीजिंग होता है, हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो म्यूजिक होता है। और जो साउंड बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, अनवांटेड साउंड होता है, जो हम सुनना नहीं चाहते, उसको हम नॉइस कहते हैं। ठीक है बच्चे, बट आपको पता चल गया, जैसे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, फ्लूट, सितार, वायलिन, तो उसकी जो म्यूजिक साउंड होता है वो बहुत अच्छा होता है, हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट साउंड होता है, इसको हम म्यूजिक कहेंगे। ऐसे ही बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, गाड़ी इधर उधर जा रही है, बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, बहुत ज्यादा शोर है, हम नहीं चाहते इतना शोर, तो उसको बच्चे हम नॉइज कहते हैं। जैसे आप लोग क्लास में इतना शोर करते हो, तो उसको हम कहते हैं नॉइस, क्योंकि वो हम नहीं चाहते, वो अनवांटेड साउंड है, वो हम हमारी इच्छा नहीं है उसको सुनने की। ठीक है, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। अब जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉइस पोल्यूशन। आजकल जो साउंड है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइज हो रही है, जिसको हम नहीं चाहते। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे आसपास, जो अनवांटेड है, उनको हम बच्चे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन के डिफरेंट रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं? जैसे एयरक्राफ्ट, रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ये सारे क्या करते हैं? नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इससे एंग्जाइटी होती है, लैक ऑफ स्लीप होती है, हम बहुत कंसंट्रेट नहीं करते कर पाते, हाइपरटेंशन हो जाती है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और हमें टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाती है हियरिंग में, हमें सुनाई कम देने लग जाता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, वो थोड़े से दूर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लाउड म्यूजिक प्ले करने से पब्लिक प्लेसेस पे रिस्ट्रिक्शन कर देनी चाहिए, और ज्यादा हॉर्न वगैरह नहीं बजाने चाहिए जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा रनिंग रेडियोज और टेलीविजन है, उनका जो साउंड है वो हमें वॉल्यूम है वो लो रखनी चाहिए। ठीक है, ये तो थे बच्चे कि हम कैसे नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, वो कैसे समझते हैं बातों को, वो लोगों की लिपसिंग देखते हैं कि कैसे लिपसिंग करते हैं, उनको सिखाया जाता है स्पेशल स्कूल में कि आपने लिपसिंग को कैसे रीड करना है, या हैंड मूवमेंट की हेल्प से आपने भी कभी देखा होगा कि जिनको सुनाई नहीं देता उनको हाथों के इशारों से समझाया जाता है कि वो क्या बात कहना चाहते हैं। तो ठीक है, ऐसे जो लोग जिनको सुनाई नहीं देता वो भी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में इतना ही है, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से ये वाली वीडियो भी देखना और जो पहले वीडियो बनाई है वो भी देखना। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।